क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टॉपिक है हमारा आज का। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको एक केमिकल क्रीज याद होनी चाहिए, केमिकल रिएक्टिविटी। ये क्रीज आपकी लिखी, देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, व्हाट इज SN, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, गोल्ड के नीचे प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम PT। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में कम से कम इतना लर्न होना आपको बहुत जरूरत है इसकी। और क्लास 12th में आप देखेंगे तो एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, उसमें और भी सारी चीजें होंगी जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे। बहरहाल अभी इतना, ठीक है। इसमें देखिए क्या ऑर्डर है, जो ऊपर वाले दे आर मोस्ट रिएक्टिव और जो नीचे वाले दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए मैंने एरो लगाया हुआ है, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, नीचे वाले ऊपर वाले के कंपैरिजन में कम रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, यही रीजन है। देखिए कॉपर, ये रहा कॉपर और जिंक से ऊपर, तो बताइए कॉपर और जिंक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, जिंक। यही रीजन है कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से किसको हटा दिया था, कॉपर को। ठीक है, मैंने दिखाया था आपको रिएक्शन, जो स्टूडेंट्स नहीं आए थे वो देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया, देख लीजिएगा। अच्छा, इसको देखिए याद करने का तरीका, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, एक अभी अभी मैंने बनाया, आप देख लें। देखिए कहां से में आप समझिएगा, एडजस्ट करिएगा, दैट इज कैल्शियम, क्योंकि देखिए थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो कहां से मांगो, MgRS में, तो दिस इज मैग्नीशियम। कहां से मांगो, आलू, एल्युमिनियम। कहां से मांगो, आलू, जब, जब इज ZAB, मैंने आपको लिख दिया जब। फिर से में एस आ रहा है, एस से क्या हो जाएगा, SN। फिर से जब फोन है, किया, किया तो वैसे KIA होता है, बट यहाँ थोड़ा एडजस्ट करिए CIA। ठीक है, फोन है किया हुजूर आज औरों ने, ठीक है, आज औरों ने। ठीक है, तो कहां से मांगू आलू, जब फिर से फोन है किया हुजूर आज औरों ने। ठीक है, तो कहां मींस पोटेशियम, से मींस CA, कैल्शियम मांगू MG, मैग्नीशियम, आलू AL, एल्युमिनियम, जब में Z आ रहा है जिंक, फिर F आ रहा है FE, आयरन, S, SN, टिन, फोन में P आ रहा है PB, लेड, ओके, H, हाइड्रोजन, फिर किया में KIA नहीं लिखना है, CIA लिखना है, दैट इज कॉपर। और देखिए अगर आप भूल जाएंगे ना तो बहुत आसान है, देखिए आपको पता है कॉपर और जिंक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक। रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, तो जिंक कहाँ रहना चाहिए, ऊपर, तो ये वाले किया में कौन बैठा होगा, कॉपर। ओके, नेक्स्ट, और आपको बता था, ओके, हुजूर, ठीक है, हुजूर इज व्हाट, मरकरी, आज इज AG, सिल्वर, एंड औरों ने मींस AU, गोल्ड। ओके, और देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो CA और CU में, तो नहीं होना चाहिए, जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो देखिए से पोटेशियम के नीचे ही कौन आएगा, कैल्शियम। कैसे, क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया है ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, तो ये कौन से ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 से, और ये कौन से ग्रुप से, ग्रुप नंबर 2 से। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, पता है आपको कौन कौन से, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, ये बताया मैंने आपको, इसको देखते हुए हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखिए एक रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा और बाकी सारे आपको बस लर्न करने, मैकेनिज्म क्लास 10th में नहीं है उसका, पर फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जैसे कि हमने जो वीडियो देखा था उसमें कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया था, कैसा, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्वेंट होगा वहां पर। ओके, हाँ, इसमें आपने जिंक मिलाया कौन से फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है ना, डाला था आपने ऊपर से जिंक, याद है कि नहीं, क्या हुआ था,
धीरे धीरे आपको कॉपर मिल गया था, याद है? ओके, तो ये देखिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया यहां से, और जिंक कॉपर की जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर फ्लोराइड के फॉर्म में हट गया, और ये सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, एक्वस, किसका, ZnSO4 का। देखा था आपने ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो कैसा पढ़ने पड़ा लगा था, लाइट ब्लू पढ़ने पड़ा पढ़ने लगा था, देखा था आपने, वो थोड़ा सा डल पढ़ने लगा था कलर, हाँ तो वही, क्यों, क्योंकि कॉपर हट जा रहा है इसमें। इसका मैकेनिज्म देखिए, इधर ध्यान दे जरा इसका मैकेनिज्म, ये देखिए क्या होता है, ये एस, देखिए मान लीजिए मैंने यहां एक मेटल का रॉड लगाया जिंक का, ओके, और मैं यहां एक मेटल का रॉड लगा रहा हूं किसका, कॉपर का, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, ऐसे खड़े हो जाइए, जिंक कॉपर, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेफ्ट में, जो कम रिएक्टिव होगा वो राइट में, ओके, और इसका नाम रख दीजिए एसी, एसी आपको पता है, ए मीन्स एनोड और सी मीन्स कैथोड, ठीक है, तो एसी एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। एक बात और आपको याद है, एनॉक्स रेड कैथ, ओके, मतलब जहां ऑक्सीडेशन होता होगा वो एनोड होता है, और जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है। ऑक्सीडेशन क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का निकालना, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है, और रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या होता है, इसमें आपने डाला सॉल्यूशन, ये रॉड लगा दिया आपने दो, ये सॉल्यूशन आपने इसमें भरा किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो आपने भरा है वो कैसा है, एक्वस है, वाटर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस, तो जैसे ही आप कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक, मतलब सॉल्यूशन बनाएंगे कॉपर सल्फेट का, तो ये वाटर का प्लस वाला एंड किसको, कॉपर को, और माइनस वाला एंड किसको, सॉरी माइनस वाला प्लस को और प्लस वाला माइनस को खींचेगा, और ये बीच से क्या हो जाएगा, ब्रेक, ऐसे आप समझ सकते, तो CU2 प्लस बनेगा और SO4 2 माइनस, ये आयन इसमें घूम रहे होंगे सॉल्यूशन, आपको से थोड़ी ना दिखेंगे आपको, तो इसमें आयन में क्या बताइए, CU2 प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। इधर देखिए, जैसे ही जिंक को दिखाई पड़ता है कि यहां कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तुरंत वो क्या करता है, अभी इसमें मैं आपको एक चीज बड़ी मजेदार दिखाता हूं, आप देखिएगा, जैसे ही जिंक देखता है, अरे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उधर देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो अगर इस चैप्टर में बेटा शुरू से ही सीखते जाइए, ध्यान से सुनिए, शुरू से ही सीखते जाइए ताकि बाद में मेरे को परेशानी ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओके, शुरू से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमें लास्ट टॉपिक ना दिक्कत ना हो। जैसे ही इसने देखा कि अरे मेरे से नीचे वाला मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है कोई, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट है, तो इसने क्या किया, इसने जो है जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और क्या बन गया, Zn2+, देखिए ऐसे तो लिखो गया, Zn gives Zn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Zn ने क्या बना दिया, 2 प्लस चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए कितना बढ़े, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसा टहलते टहलते आए सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, और यहां रॉड किसकी लगी, कॉपर का, ठीक, ये अपना कॉपर का जो रॉड था यहां वो लगा दीजिए, एक बल्ब लगा दीजिए छोटा सा, या वोल्ट मीटर लगा दीजिए, वोल्ट मीटर लगाया था आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, या एमीटर लगा दो, आप एक बल्ब लगा दो, चलो मैं वोल्ट मीटर भी लगा दे रहा हूं और एक बल्ब भी लगा दे रहा हूं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चलता चलता आएगा, और देखिए नो ऐसा नहीं चलता आएगा, गलत मैंने कर दिया, ये ऐसा चलता चलता आएगा, इसको पाथ मिल गया भाई, इलेक्ट्रॉन अगर को इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे फ्री हो रहे हैं, अगर उसको पाथ मिल जाए तो चलता है वो, आपने देखा है, ठीक, यहाँ जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी बढ़ेगी, ज्यादा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और यहाँ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम
नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था, याद है? नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब यहाँ जो एक्युमुलेशन हो गया, एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा हो गए जो इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्किट में चलना शुरू करता है, आपने उससे काम ले लिया, बीच में क्या लगा दिया, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही, इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही, बल्ब चलने लगता है और वोल्ट मीटर अपनी वैल्यू दिखाता है। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते होंगे कॉपर वाली प्लेट पे, कॉपर वाली रॉड पे, कॉपर आयन सॉल्यूशन से आते हैं इधर, और ये देखिए कॉपर 2 प्लस को कौन मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन इधर निकले थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, कॉपर 2 प्लस, और ये कॉपर 2 प्लस कहां से आया बताइए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अब कॉपर 2 प्लस को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ये, और कॉपर का क्या बना देगा, आयन से एटम, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ठीक है? तो ये देखिए ये बन गया आपका कॉपर का एटम, एक बना, एक और बनेगा, क्यों, क्योंकि करोड़ों कॉपर टू प्लस इसमें घूम रहे हैं सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते, और इस जिंक की रॉड में करोड़ों जिंक के क्या है, एटम्स, वो जिंक के एटम जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को देखते हैं फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देते हैं। ओके, अब फिर से दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कौन छोड़ेगा, जिंक, ठीक है, लेगा कौन, उधर से कॉपर आयन, वो कॉपर आयन कहां से आ रहा है बताइए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अब आप खुद ही सोचो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर चला जा रहा है तो क्या उसका कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसका कॉन्स्टेंट जो था पार्टिकल वो तो चला जा रहा है, और सारा कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले लेके इधर डिपॉजिट हो जाता है, तो आप कॉपर का रॉड निकालते हो तो आपको मोटा दिखाई पड़ेगा। ओके, और वो कॉपर आ कहां से रहा है, सॉल्यूशन से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, शायद आयरन का दिखाया मेरे ख्याल में, याद है, ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां फ्री होके कौन बैठा हुआ है, Zn2+ बैठा हुआ है फ्री होके, Zn2+ वो Zn2+, अब यहां से कॉपर तो चले गए, कौन बचा, हाँ यहां सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और Zn+ फटाक से कॉन्टेक्ट करेगा किससे, SO4 माइनस, अब क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यही रीजन है, ओ सॉरी कॉपर सल्फेट क्यों, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, और ये इसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट पड़ने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपको नीचे ये रेड ब्राउन ये, ओके, कॉपर का अगर रॉड लगाओगे तो आपको यहाँ कॉपर की रॉड पे कॉपर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और यहां से देखिए आपने बल्ब लगा दिया वो चलने लगा, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो सल्फेट के साथ रहना चाहता है एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर को नहीं रहने देता, वो हटा देता सॉल्यूशन से कि भाई हटो, ठीक है ना। अब सुनिए यहां ध्यान से, इस रॉड को नाम मैंने क्या दिया, एनोड, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, देख लो आप, ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन को निकालना, जिंक निकाल रहे हैं ना, तो दिस रॉड, इस रॉड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इस रॉड पे कॉपर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, मतलब कॉपर का आयन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इस जो टोटल, ये जो रिएक्शन टोटल हो रही है इसको आप क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, हाँ, ओके, तो ये है एक एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, बहरहाल हमको फाइनली इससे मतलब था, तो टोटल रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत है, कॉपर जिंक ने किसको हटा दिया, कॉपर, कोई डाउट है, नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप डेफिनेशन देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ एनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जब एक एलिमेंट दूसरे का प्लेस ले लेता है तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आपने देख लिया। आप एग्जांपल इसके फटाफट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए जैसे कि कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, आप मैग्नीशियम का पीस डालोगे सॉलिड के फॉर्म में, कॉपर सल्फेट का कलर बताइए, CuSO4 कॉपर सल्फेट का कलर बताइए, यस ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन, मैग्नीशियम का कलर सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट, ओके। अब सीरीज में देखिए कौन ऊपर आता है,
हाँ, जो ऊपर आता होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता होगा, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपना सॉल्यूशन बनाना चाहता है। ठीक, तो MgSO4। तो ये देखिए बहुत आसान रिएक्शन है, मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा एक प्लस फॉर्म में, और कॉपर आपको, तो मैग्नीशियम का जो ये सॉल्यूशन बन रहा है एक प्लस फॉर्म में, इसका कलर क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन मतलब धीरे धीरे कलर डिम पड़ता जाएगा और लास्ट में वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, और देखिए कॉपर आपको ब्राउन कलर का दिखाई पड़ता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन आपको मिल जाएगा कॉपर। एक मैंने आपको जानबूझ के वो एनोड कैथोड लगा के दिखाया था ताकि थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी में एग्जांपल एक हमारे पास कॉपर सल्फेट में। ओके, बहुत सारी रिएक्शंस आप करा सकते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। अगर मैं इसमें आयरन का नेल डाला था, हमने याद है, हाँ, लेकिन फेरस सल्फेट कलरलेस नहीं होता था, वो कौन से कलर का होता था, ग्रीन कलर का, याद है आपको, ये सॉलिड फॉर्म में। हाँ भाई बताइए क्या बनेगा, ये आयरन नाम का एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर नाम के एलिमेंट को, वाई आयरन इज अबव द कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो क्या बन जाएगा बोलिए, FeSO4 एक्वस फॉर्म में, बट इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन, याद है आपको, नाम क्या है इसका बताइए, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्या बन गया आपका साथ में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, जो कि कौन से कलर का होता होगा, रेड ब्राउन। ओके, ठीक, अब इसमें एक और रिएक्शन देखते हैं हम, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये मैं लग कर दूं, देखिए CuCl2 एक्वस फॉर्म में, नाम यस कॉपर क्लोराइड, ठीक है, इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन सॉल्यूशन। अब इसमें आप लेड डालिए, ओके, लेड के कुछ पीस डालिए आप इसमें, पीवी लेड सॉलिड फॉर्म। ओके, ये लेड कौन से कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, बताइए क्या होगा रिएक्शन देख के वहां से, लेड किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को, और क्या बना देगा, PbCl2 एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर, प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ये रेड ब्राउन होगा आपको पता है, और PbCl2 का नाम क्या होगा, लेड क्लोराइड, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, वो रेड ब्राउन होगा कॉपर। नेक्स्ट देखिए सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन अगर आप लेंगे, हाँ बताइए भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, कैसे पता चला, Ag पे प्लस वन चार्ज और नाइट्रेट पे वन माइनस चार्ज, ये वन इधर चला जाएगा, ये वन इधर, तो क्या बन जाएगा, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कैसा होता है, कलरलेस। ओके, अब इसको रिएक्ट करा दिया हमने कॉपर, देखिए सीरीज देख के बताइए कौन लेस रिएक्टिव है, एजी, इसलिए वो हट जाएगा, कौन मोर रिएक्टिव है, कॉपर, तो कॉपर यस CuNO बाय CuNO3, Cu का मैंने जो चार्ट दिया वो क्या होता है, Cu2+, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 सिंगल माइनस, तो ये वन इधर और ये टू इधर, तो ये ऐसा लग के होल ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस। ओके, ये हो गया CuNO3 होल ट्वाइस, नाम कॉपर नाइट्रेट, कलर बताइए, कॉपर नाइट्रेट, देखिए कॉपर मौजूद है यहाँ पे, कॉपर कैसा कलर देता है, ब्लू, नो, प्योर कॉपर थोड़ी ना सॉल्यूशन है ना, ठीक है, तो ये आपको ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ये ब्लू एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा आपको कॉपर नाइट्रेट का, एक्वस ब्लू सॉल्यूशन प्लस
बताइए क्या मिलेगा? सिल्वर। बैलेंस करिए, सिल्वर ठीक है, कौन से कलर का होता है सिल्वर? व्हाइट, ग्रेश व्हाइट, ग्रेश व्हाइट ओके। हाँ भाई बताइए, बैलेंस करिए, इज देयर एनी पॉलीटॉमिक आयन? यस, नाइट्रेट, दिस इज टू, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे आगे, टू, सिल्वर इज टू, सिल्वर इज टू, नाउ इट इज बैलेंस्ड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, आयरन की कराएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट रिएक्शन इज आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रब कर दो इसको। देखिए आयरन सॉलिड फॉर्म में लेंगे आप किसके साथ? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक सॉल्यूशन बनाइए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको आप एक्वस सॉल्यूशन सॉरी इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके। ये आयरन है आपका। हाँ भाई देखिए उधर हाइड्रोजन, ये देखिए, देख रहे हो, ये ऐसा बीच से सोचिए, इसको ब्रेक करिए, ये हाइड्रोजन आ गया इस बार, क्योंकि पिछला वाला क्या था? CuCl2, याद है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर की जगह क्या आ गया? एच। हालांकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन कभी कभी वो मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे, वो बात की बात है। इसको देखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हटा देगा इसको, क्या बना देगा बताइए? फॉर्मूला ध्यान से बताइएगा, Fe पे कैसा चार्ज होता है? तो मैंने आपको चार्ज दिया है, 2 भी होता है और 3 भी होता है ओके। तो यहाँ पे 2 प्लस वाला लेना है आपको, 2 प्लस ओके, और Cl पे माइनस 1 होता है, ये इधर कितना हो जाएगा? FeCl2, तो क्या बन जाएगा? FeCl2 ना मतलब या तो आप इसको लिखिए फेरस क्लोराइड और या तो आप इसको लिखिए आयरन और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2 आयरन क्लोराइड। याद रख लीजिए, जब आप ये 2 ब्रैकेट में जो लिखा है क्या बता रहा है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तो बस आप ये एक्चुअली एक नंबर होता है ठीक है, जो कि क्लास 11 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान दें, जो यहाँ पे चार्ज ऐसे लिखा होता है कि आप फेरस ले रहे हो कि फेरिक, 2 ले रहे हो तो 2 लिखिए ब्रैकेट में, 3 ले रहे हो तो 3, फेरस और 3 वाला फेरिक, तो फेरस क्लोराइड है ये, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बताइए? हाइड्रोजन। यस, क्योंकि ये हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन का एटम ही तो नहीं केवल ऐसा दिखेगा ना, वो तो अनस्टेबल होता है, तो वो एक और एटम से कंबाइन होगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस ठीक है। नाउ बैलेंस करिए, बताइए भाई बैलेंस कैसे करोगे? आयरन बैलेंस है, सीएल नहीं बैलेंस और एच भी नहीं बैलेंस, दो लगा देंगे, नाउ इट इज बैलेंस्ड ओके, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, सिंपल है। अच्छा एक चीज आप और देख लें और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पर ध्यान दें। आप ये देख रहे हैं कि अगर एसिड से मेटल रिएक्ट कर रहा है, एसिड से मेटल रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस निकल रही है? याद रखिएगा मेटल नॉन मेटल में आगे आएगा ओके। हालांकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ में आप थोड़ा गौर करते जाइए उस पर, गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, जो कि कैसे साउंड के साथ? बर्न होगी, पॉप साउंड के साथ ओके। और देखिए अगला, इसी में मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सेम रिएक्शन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बन जाएगा बोलिए? MgCl2 की MgCl, बताइए क्योंकि मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है? 2, याद है, बेरिलियम मैग्नीशियम,
ग्रुप नंबर टू में अगर आता है तो चार्ज कैसा होगा उस पर? टू, ठीक है। तो Mg2+ होता है Cl-1, ये टू इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? Mg Cl2। ओके, नाम मैग्नीशियम क्लोराइड तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसका फेज लिख, इसके स्टेट लिख दीजिए, गैसियस स्टेट में होगा। ये कैसे फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। ये कैसे में होगा? एक्वस में, और ये सॉलिड। कोई दिक्कत है? ना, देखिए सोडियम मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जगह नहीं है मेरे पास हाइड्रोजन। ओके, कोई दिक्कत है? सुनिए, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और सोडियम को अगर आप वाटर में डाल देंगे, रिएक्शन मैंने शायद आपको दिखाई है वीडियो में, नहीं दिखाई है तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप सोडियम की पीस को वाटर में डाल देते हो ना, वो बर्न हो जाता है, तो जब बर्न करने लगता है, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, ये रीजन है सोडियम को हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में, सोडियम पोटेशियम। ओके, सोडियम के लिए तो आई एम नॉट कंफर्म, बट यस पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। याद है ग्रुप नंबर वन पीरियोडिक टेबल का? हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैं सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं, ओके, ध्यान देखिए जरा इधर से, ये देखिए सोडियम सॉलिड फॉर्म में लिया मैंने, एक पीस सोडियम का मैं वाटर में जैसे ही छोड़ता हूँ, तुरंत एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। देखिए ये लगाया मैंने वाटर।